क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में मोतिहारी के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से बनी सरकार की खुशी में बिहार के लोगों ने एक दूसरे के साथ खुशियां मनाई। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के गांधी चौक पर कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर रंग अबीर लगाकर जमकर नारेबाजी भी की। मिलेगा अब भारत के लोगों ने, गरीब मजदूर, किसान मजदूर, छोटे खोंचा वाले सभी लोगों ने ये तय कर लिया है कि नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। देश में भूख मरी है, उसको मिटाने के लिए कांग्रेस और महागठबंधन को की सरकार पूरे देश में 2024 में लाएंगे और इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए लोगों ने कमर कस लिया है। आज कर्नाटक की जीत पर हम सभी लोग पूर्वी चंपारण में खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ, मित्रों के साथ मिठाइयां बांटकर। वहीं बिहार में रोहतास जिले के डेहरी में डीएवी कटार स्कूल परीक्षा केंद्र के समीप जहां सिपाही परीक्षा के परीक्षार्थियों ने NH2C को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि डीएवी कटार परीक्षा केंद्र पर लगभग 3 दर्जन से अधिक परीक्षार्थी 9 बजे के बाद पहुंचे, जहां उन्हें परीक्षा भवन प्रवेश में नहीं किया गया, जिससे भड़के परीक्षार्थियों ने डीएवी पब्लिक स्कूल कटार के पास NH2C को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे SDM अनिल सिन्हा और ASP शुभांकर मिश्रा ने परीक्षार्थियों को समझा कर लगभग 45 मिनट के बाद सड़क का जाम खुलवाया। वहीं बिहार में नालंदा के बिहार शरीफ के 29 केंद्रों पर मग निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जा रही थी, जहां कुछ परीक्षार्थी देर से सेंटर पर पहुंचे और तब परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो चुका था। इसके बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा भी किया और जैसे ही इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को मिली, वैसे ही गश्त दल मौके पर पहुंची और परीक्षार्थियों को खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ परीक्षार्थियों के साथ पुलिस की हाथापाई भी हुई और कुछ परीक्षार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मैंने 8:25 में एंट्री किया, मेरा गलती से आधार कार्ड छूट गया, मैंने बोला कि भाई तुम्हारे से निकाल कर लाया, उसने बोला रुको तुम एंट्री देंगे, 9 बज गया तो बोला कलर में लेके आओ, जब मैंने कलर में लेके दिया तो उसने मेरा एंट्री नहीं दिया, प्रशासन मेरे साथ बर्सूरी किया, कदम से कम पर छोड़ा तुम्हारा और बोला कि तुमको बड़े एफ आई आर करेंगे, मर्डर का करेंगे चार्ज वही। सुपौल के भारत नेपाल सीमा सड़क सह कोशी पूर्वी तटबंध पिपरही के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक महिला को कुचलते हुए तेज रफ्तार कार कोसी सुरक्षा बांध से लगभग 30 फीट नीचे पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में एक महिला की इलाज में ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। वही घायलों में कार सवार सभी लोग सुपौल जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र स्थित परमानंदपुर पंचायत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
यहाँ चार जो है ना गाड़ी में था उसको जो है ना हॉस्पिटल ले गया है, उसमें जो है ना एक महिला जो है ना प्रशासन आया, प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। क्या नाम है? वहीं मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल के परसौनी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां खेत में मिट्टी कटाई कर रहे एक लापरवाह ट्रैक्टर चालक ने मासूम को रौंद दिया और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पकड़ी दयाल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर कहाँ से घटना बेल हमने पकड़ी जाली है तो घटना कैसे बेल ट्रैक्टर से मार के जेसीबी से झाँक दे लगाई लगा बहुत जी सके देख लगा कहाँ के ट्रैक्टर जेसीबी आज गादवा के को नाना करा कैसे मतलब हमने माटी लागे रही है समझ आली माटी लेके हम नहीं आवे तारी तले हुआ गारू चले लगा मा भाई लेके हम भाई के पहले ट्रैक्टर एदन चला देला का गोर पर आ तब बाद में दूसर का छर पटाए लगला का तब भाई के हमरा हे पर धर के चाका चले ले बा तब बाद में माटी में झांक देला का भाई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए प्राइम बिहार के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो रोहतास जिले के दरीगांव थाना क्षेत्र के कोटा गांव में एक नर्तकी को गोली मार कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कोटा गांव में एक तिलक समारोह के दौरान एक युवक ने नर्तकी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 10 बजे ये डेट आया था, ठीक है, जांच किया गया तो पाया गया कि इसको गोली लगा हुआ है और मृत पाई गई थी। उसकी सूचना यहाँ के लोकल थाना को दिया गया और अभी सुबह में इसका पोस्टमार्टम कराया गया है। अच्छा, अब मतलब मृत ही आया था कि मतलब इलाज के दौरान? नहीं, मृत आया था। वहीं मुजफ्फरपुर से फर्जी नर्सिंग होम द्वारा एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सकरा थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास एक निजी अस्पताल में बीते 10 अप्रैल को एक व्यक्ति का जबरन ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो झोलाचाप डॉक्टर ने व्यक्ति को 2 दिन बाद उसी अस्पताल में ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आ चल गेली हमसे कल हियाँ न करेबे जाए ले पहले मेडिकल में वहाँ देखा उखा के हुए करा ले वहाँ देखैली तो वहाँ जाँच सब करा उरा लेली जाँच करा उरा के आ कल कराएम तो हियाँ से लगातार फोन पर फोन करते रहे कि हियाँ आओ हम ऑपरेशन हियाँ कर देव। कितना धुआँ रही तो 10 मरतबे फोन।
सात तारीख के जन्म भेल है, सात अप्रैल में ई महीना से पीछे, मतलब अप्रैल महीना में ऑपरेशन हुआ। क्या ऑपरेशन किया? पहला दिन ऑपरेशन किया, पहला दिन हां हरुनिया का। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ था? तो उसके बाद पेट फूल गया इनका ना, तो हम कहली कि इतना पेट कला फूल जाए, वहाँ मुजफ्फरपुर क्या बोलता है मेडिकल में गए, तो वहाँ से जाँच उची ली के दो दिन गए वहाँ पर, सब टेस्ट उस्ट ली के करा लिए। डॉक्टर साहब फिर गया, डॉक्टर साहब को दिखाने गए तो बोले कि डॉक्टर साहब ऐसे एक हफ्ता के बाद बैठेंगे, उतने देर में ऐसे यहाँ से है ना से सकरा थाना गुमटी के बगल में छोटा हॉस्पिटल झाजी बैठते हैं, क्या नाम है उनको, कहीं भी मीडिया में आ जाता है, लिखित में आ जाता है, तो मैं वहाँ के प्रभारी से सो कुछ करूँगा, उसे टेलीफोन करके मैं जानकारी दे रहा हूँ। नहीं, फिर हम तय करेंगे कि सबको दिया हुआ है कि जितना ये अवैध है उसको बंद करने के लिए, और करामे नहीं मानता है तो उसको FIR करने के लिए, जहाँ जहाँ से नहीं हो पा रहा है वहाँ पर उनसे सख्त कार्रवाई के लिए हम फिर से पत्र लिख रहे हैं। नहीं तो सो कुछ करें, इसमें आप लोग भी कुछ सपोर्ट कीजिए, सब लोग भी लोग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, एक झोला छाप डॉक्टर के फर्जी ऑपरेशन करने का मामला सामने आया है, पुलिस इस पे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या अभी तक डॉक्टर को पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि मुजफ्फरपुर में इन दिनों झोला छाप डॉक्टर का कारनामा काफी देखने को मिल रहा है, जहाँ किडनी कांड हुआ था, वही बीते दिनों ही जो है तो एक महिला का ऑपरेशन के दौरान बचतानी निकाल लिया, वही अब सकरा में ही, मतलब मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में ही फिर जो है झोला छाप डॉक्टर का एक कारनामा सामने आया है, जहाँ की हॉर्निया का ऑपरेशन के दौरान जो हाइड्रोसील काटे जाने का मामला आया। हालांकि इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि ये मामला अब संज्ञान में आया है, और जो स्थानीय PHC के जो डॉक्टर हैं उनसे जानकारी लेने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो आपने जैसा बताया इससे पहले एक महिला का भी ये ऑपरेशन कर चुके हैं, तो क्या इससे पहले पुलिस नहीं जागी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे? बिल्कुल, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और जो झोला छाप डॉक्टर थे और जो अवैध अस्पताल था उसको बंद कर दिया गया और डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इस तरह से मुजफ्फरपुर में झोला छाप डॉक्टरों का जिस तरह से कारनामा हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद रुपेश। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर, सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस, आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर, प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूं मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं, प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।
डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों